हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिंस टेक पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे MIA 3 के 2022 के जनवरी मंथ के अपडेट के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर जो है MIA 3 को जनवरी मंथ का अपडेट मिल चुका है, जो यहाँ पर 12 MB समथिंग का है, 12.29 MB। तो इस अपडेट के अंदर क्या क्या चीज़ें फिक्स हुई होंगी, मुझे तो नहीं लगता है इतनी कम MB के अंदर कुछ फिक्स हुआ होगा, और क्या चीज़ें ऐड हुई होगी, तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और ये अपडेट कितना सेफ है, इसे करना है या नहीं करना है, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखें। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। तो कर लेते हैं सबसे पहले इसको डाउनलोड और इंस्टॉल। तो यहाँ पर फोन जो है सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, अपडेट इंस्टॉलेशन भी हो चुका है। इसके बाद में वैसे तो मैं आपको बता दूं, इसके जो पिछला अपडेट था उसमें भी बहुत सारे बग्स थे, और जो कि अभी तक फिक्स नहीं हुए हैं। बैटरी ड्रेनिंग की समस्या भी बनी हुई है थोड़ी बहुत, और ऐप क्रैशिंग वगैरह की समस्या भी यहाँ पर बनी हुई है। मोबाइल थोड़ा स्लो परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इसलिए इस अपडेट के बाद में क्या फीडबैक रहा है, मैं आपको आने वाली फीडबैक वीडियो में इसका रिव्यू दूंगा। दूसरी बात रही तो इसको अपडेट को करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको जो है सिक्योरिटी पेज अपडेट लेवल यहाँ पर 1 जनवरी 2022 का देखने को मिलता है। 2022 का पहला अपडेट है, और इसको करना है या नहीं करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे कोई चेंजेस तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है स्पेशल, जिससे मैं आपको बता सकूँ। यहाँ पर आइकॉन शेप वगैरह सब सेम वैसे ही है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें एंड्रॉयड 11 का ही वर्जन देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एंड्रॉयड 12 इसमें देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात रही तो यहाँ पर अगर हम देखें नेटवर्क वगैरह की जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हुए हैं या नहीं, तो वो मैं आपको फीडबैक वीडियो में ही बताऊंगा। बैटरी, नेटवर्क, ऐप क्रैशिंग, परफॉर्मेंस, सभी तरह के स्क्रीनशॉट वाली प्रॉब्लम भी आ रही थी बहुत से लोगों को, कि स्क्रीनशॉट लेते थे और यहाँ पर जो है ये आइकॉन्स यहाँ पर हटते नहीं थे, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको फीडबैक दूंगा। एक बार और चेक कर लेते हैं स्क्रीनशॉट वाली प्रॉब्लम, यहाँ पर स्क्रीनशॉट बराबर आ रहे हैं, वॉल्यूम डाउन और लो दोनों हो रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस अपडेट का रिव्यू जल्दी रिलीज करेंगे, और इस अपडेट को करना है या नहीं तो देखिए मेरी बात सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन अच्छे से चले और आपको जो है स्टेबल रहना है, तो आप मेरी रिव्यू वाली जो वीडियो है उसको देख कर ही अपडेट करिए, वरना इस अपडेट को अभी मत करिए। भले ही ये छोटा अपडेट हो, लेकिन हो सकता है छोटे अपडेट के साथ में बहुत से बग्स ऐड हो गए हों, तो वीडियो का वेट करें, जल्दी रिलीज करूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी कोई टेक्निकल वीडियो से आप मिस ना हो। थैंक यू।